Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysages. ऐसी चेस जैसे आपने वीडियो में देखी, ऐसा मैं पहले बिल्कुल नहीं था। पहले मैं भी एक स्किनी लड़का था, फुटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, तो भागना दौड़ना इतना हो जाता था कि बहुत बॉडी लीन थी। मगर मैं काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस था सलमान खान, बटीस्टा, ट्रिपल एच, इवन सनी देओल फ्रॉम घातक कि एक अच्छी वेल लुकिंग अच्छी फिजिक के लिए चेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी। कि चेस्ट अच्छी होती है तो उस पर टी शर्ट्स अच्छे लगते हैं, कपड़े अच्छे लगते हैं। तो हाँ, मुझे हमेशा से था कि चेस्ट बनानी है, मुझे अच्छी चेस्ट बनानी है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे मेथड, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें करी। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मुझे बहुत कुछ पता है कि कैसे चेस्ट ग्रो कर सकते हैं, क्या मिस्टेक नहीं करनी, क्या टिप्स हैं, क्या मेथड्स हैं और कैसे क्या करना है। अगर वो बताने जाऊँगा तो 2-3 वीडियो बन सकती है उसके ऊपर। तो चलो, पहली वीडियो यही है चेस्ट से रिलेटेड कि चेस्ट कैसे ग्रो करते हैं। और अब लोग बोलते हैं कि चेस्ट मेरा एक डोमिनेंट पार्ट है, जो पहले डोमिनेंट नहीं था, तो मैंने इसको डोमिनेंट पार्ट बनाया। मुझे भी लगता है मेरा चेस्ट एक डोमिनेंट पार्ट है मेरी फिजिक का। मगर अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जेनेटिक्स, हाँ मैं बोलता हूँ कि जेनेटिक्स कुछ हद तक रोल प्ले करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। अगर आपको चेस्ट ग्रो करनी है या बाइसेप्स ग्रो करना है, एट द एंड आपको हार्डवर्क और राइट मेथड्स और टेक्निक्स पता होनी चाहिए, तो उससे आप एक लैगिंग बॉडी पार्ट भी ग्रो कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये वाला एक्सक्यूज देना बहुत लोग देते हैं, अपने आप को भी देते हैं, लोगों को भी देते हैं कि आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं या मेरे जेनेटिक्स बेकार हैं, इसमें चेस्ट ग्रो नहीं हो रही, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ हद तक रोल प्ले करता है मगर पूरा नहीं रोल प्ले करता। तो हार्डवर्क पे बिलीव करो, सही टेक्निक और सही ट्रेनिंग प्रोटोकॉल यूज़ करोगे तो आपकी चेस्ट भी ग्रो हो सकती है। और कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने नहीं करी, मगर मैं अक्सर देखता हूँ कि बिगनर्स वो मिस्टेक करते हैं। उनमें से फर्स्ट मिस्टेक है वार्म अप नहीं करना, वर्कआउट सीधा स्टार्ट कर देते हैं या हल्का फुल्का वार्म अप किया और सीधा बेंच प्रेस मारने लग जाएंगे या कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, जिससे अक्सर शोल्डर की इंजरी हो जाती है या अच्छे से मसल हिट ही नहीं हो पाती पूरी वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद भी। अपनी सेकंड मिस्टेक जो मुझे लगता है मैंने देखी है, ऑब्जर्व करी है जिम में, ईगो लिफ्टिंग। तो चेस्ट डे पे सब हाइप्ड अप होते हैं मंडे को और सबको लगता है कि ज़्यादा वेट मारेंगे और जल्दी चेस्ट ग्रो होगी, ऐसा नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी बहुत करी है, मगर मैं ओवर द टाइम रियलाइज़ कर लिया था कि रेपिटिशन से मसल बिल्ड होती है और क्वालिटी ऑफ रेप्स बहुत मैटर करते हैं आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस में, तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक है हमारी सुपर सेट और ड्रॉप सेट को ना इंक्लूड करना। मैंने तो सुपर सेट ड्रॉप सेट बहुत जल्दी इंक्लूड कर लिए थे अपने वर्कआउट में, तो मैंने देखा है अक्सर जो आजकल बिगनर्स हैं वो नहीं करते, तो वो सुपर सेट और ड्रॉप सेट ज़रूर लगाना है। और जितनी भी मैंने मिस्टेक बताई हैं अभी, ये सारी आगे वीडियो में आप देखोगे कि कैसे कैसे मैंने नहीं किया और जो आपको भी नहीं करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है वो आगे आपको पता चलेगा। और हाँ, एक भाई का कमेंट आया था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मगर अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी चेस्ट ग्रो करी, क्या आप कर सकते हैं अपनी चेस्ट के लिए, और शेड्यूल क्या था मेरा और क्या स्ट्रक्चर था मेरा चेस्ट ट्रेन करने के लिए, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मुझे लगता है मेरी चेस्ट को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करी है वो है पुशअप्स। तो पुशअप तो सब करते हैं, आपको भी पता होगा, मगर मैं क्या करता था, मैं पुशअप्स स्टार्टिंग में भी लगाता था और मैं पुशअप्स लास्ट में भी लगाता था वर्कआउट के। और आजकल जो मेरा न्यू शेड्यूल चल रहा है उसमें मैंने दोबारा पुशअप्स ऐड कर दिए। मैं वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करा अपना और 4 सेट मिनिमम 4, कभी कभी 5 से 6 भी लगाता था, 10 रेप से 15 रेप के एक सेट। तो उससे मेरी चेस्ट मसल पूरी पम्प्ड अप हो जाती थी, ब्लड फ्लो जाता था, उसके बाद मैं अपनी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट करता था। तो ऐसे तो मैं स्टार्टिंग में करता, लास्ट में जब मैं सारी वर्कआउट कंप्लीट हो जाती थी तो मैं जब फटीक थी चेस्ट उसमें भी मैं 3 से 4 सेट पुशअप्स के लगाता था, 10 से 12 रेप जितने भी रेप्स आ जाते थे, कई बार 10-12 आ जाते थे, कई बार 8 रेप से 9 रेप में ही मैं एक एक सेट मेरा ख़त्म होता था। और मैं पुशअप्स एक और तरीके से यूज़ करता था, अभी भी करता हूँ, जब मैं बेंच प्रेस मारता हूँ और उसका जो 4th सेट होता है, अक्सर उसमें मेरे जो रेप्स मैंने सोचे हुए हैं, सपोज़ मैंने 8 रेप का सेट सोचा हुआ है लास्ट और 7th पे ही मुझे मसल फटीग और फेलियर हिट हो जाता है, तो उसमें मैं 7th रेप में अपनी बारबेल रख के सीधा मैं सुपर सेट कर देता था उसको पुशअप्स के साथ। पुशअप तब तक मारता था जब तक मेरी मसल फेल ना हो जाए प्रॉपरली, और कई बार तो मैं नी सपोर्टेड पुशअप्स भी मारता था। तो इससे मुझे लगता है कि मेरी इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती थी और मेरी जो
पंप आता था, बहुत ज्यादा इंसेन पंप आता था। तो ये भी एक तरीका है आप मसल को फेलियर तक पहुंचाने का और अच्छा पंप लाने के लिए। तो पुशअप्स ऐसे यूज कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में भी मार लो, अपना इन बिटवीन वर्कआउट के मार सकते हो एंड अपना लास्ट में वर्कआउट के भी मार सकते हो। तो अभी लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, रिसेंटली मैं स्टार्ट किया है कि 50 से लेके 100 पुशअप्स मैं मारता ही मारता हूँ चेस्ट डे पे, जिससे बहुत अच्छा पंप भी आता है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है चेस्ट की। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मसल प्लाटो आ गया है, आपको चेस्ट ग्रो नहीं हो रही, तो आप पुशअप्स को ऐड करके देखो इस तरीके से, तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप ऐसे पुशअप्स करोगे तो। और वार्म अप करने के बाद, पुशअप्स लगाने के बाद मैं मारता था फ्लैट बेंच। और मुझे लगता है फ्लैट बेंच में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना वेट उठा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके रेप्स कितने अच्छे आ रहे हैं और आपकी पोजीशन क्या है फ्लैट बेंच मारने की। अक्सर मैंने ये देखा है कि बहुत लोग अपना पावर लिफ्टिंग स्टाइल फ्लैट बेंच मारना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से, जो वेट पुश करने के लिए तो अच्छा है मगर मसल बिल्ड करने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी मेथड है। तो उससे बेटर मुझे लगता है अपना नॉर्मल आर्च बनाओ और नॉर्मल रेपिटेशन पे काम करो, 8 से 12 के बीच में अपने रेपिटेशन रखो अपने सेट्स के, और बॉडी बिल्डिंग स्टाइल बेंच प्रेस मारो, उससे ज़्यादा आपकी मसल ग्रोथ होगी। मेरी तो उसी की वजह से हुई है। और बार को पकड़ने का भी एक तरीका होता है, बार को ऐसे पकड़ना है जैसे आपको बार मोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा आपका माइंड मसल कनेक्शन बनेगा, ज़्यादा फाइबर एक्टिवेट होंगे चेस्ट के, तो ये ट्राई करके देखना। नेक्स्ट मैं मारता था इंक्लाइन बेंच प्रेस। हाँ, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत लोग डंबल प्रेस मारते हैं मगर मैंने तो इंक्लाइन बेंच प्रेस मारनी स्टार्ट करी थी। दोनों बेंच मारा था मैं, फ्लैट बेंच प्रेस भी और इंक्लाइन बेंच प्रेस भी। और इंक्लाइन बेंच प्रेस में मैंने कभी भी हाफ रेप नहीं मारे। अक्सर लोग मारते हैं हाफ रेप, तो हाफ रेप मुझे लगता है एकदम टोटली वेस्ट है। अपना प्रॉपर चेस्ट टच करो और पूरी बार को ऊपर ले जाओ, तभी आपका एक प्रॉपर एक रेप कंप्लीट होगा और उसी से आपके अपर पैक्स और मिड पैक्स ज़्यादा टारगेट होंगे, ज़्यादा हिट होंगे और ज़्यादा अच्छा आपको इफेक्ट आएगा इस एक्सरसाइज से पर्टिकुलरली। तो स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि हाफ रैप मत मारना। अक्सर जिम्स में हाफ रैप मारते हैं, क्यों? पूरा डाउन जाने के बाद वही रैप मुश्किल हो जाता है। हाफ रैप में आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो, तो वेट पे फोकस नहीं करना, अपना प्रॉपर रेपिटेशन पे काम करना है। इंक्लाइन बेंच 8 से 12 रैप मारने के बाद 4 सेट, उसके बाद मैं मारता था दोबारा फ्लैट डंबल प्रेस। और फ्लैट डंबल प्रेस ये भी ओल्ड स्कूल स्टाइल से, ओल्ड स्कूल स्टाइल मतलब इसमें मेरी बैक हाफ बेंच पे रहेगी और हाफ बेंच से नीचे रहेगी, एक तरीके से एक कर्व आ जाएगा। और इससे क्या होता है, हमारे स्कैपुला कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं और चेस्ट की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आती है जब हम डंबल प्रेस करते हैं। इसमें मैंने एक प्रॉपर रील बनाई थी, अपने इंस्टाग्राम पर भी डाली थी और शॉर्ट्स मैंने अपने यूट्यूब पर भी डाली थी, अगर मिलेगी मुझे तो मैं यहीं कहीं चला दूंगा। और डंबल प्रेस के सारे सेट कंप्लीट होने के बाद मैं इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई या नहीं तो केबल चेस्ट प्रेस मारता था। इसमें मैं आइसोलेशन पे बहुत काम करता था, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट पे। अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं आ रहा है और आपकी चेस्ट में पंप नहीं आ रहा है, तो केबल चेस्ट प्रेस मार के देखना। मुझे लगता है केबल चेस्ट प्रेस आपके लोअर पैक्स, आपके मिड पैक्स बहुत अच्छे से हिट करता है और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है केबल चेस्ट प्रेस। तो केबल चेस्ट प्रेस की कई जिमों में मशीन भी होती है, अगर आपके जिम में मशीन है तो वो ज़रूर इंक्लूड कर लेना। तो मेरा शेड्यूल ऐसे रहता था कि फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, फ्लैट डंबल प्रेस एंड देन डंबल इंक्लाइन फ्लाई, तो ऐसे रहता था। लास्ट में मैं केबल चेस्ट प्रेस मार लेता था या नहीं तो नॉर्मल पुशअप्स कर लेता था, और लास्ट में उसके बाद डिप्स ज़रूर मारता था। डिप्स मुझे एक ऐसी एक्सरसाइज लगती है जो आपकी ओवरऑल काइनेटिक चेन को ट्रेन करती है, आपके शोल्डर, आपके ट्राइसेप्स, आपका इवन इसमें एल्बो भी इन्वॉल्व होती है, आपके फोरआर्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और आपके लोअर पैक्स के लिए डिप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है कि उसका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है। तो और मेरे जो लोअर पैक्स हैं डिप्स की वजह से बेटर हुए थे, और अभी भी लोग ये बोलते हैं कि मेरे जो लोअर पैक्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है डिप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करता हूं, और मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप भी अगर डिप्स अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपकी चेस्ट में जो एक अलग एस्थेटिक लुक आती है वो बहुत बेटर आएगी। अब ये तो बात हो गई सारी एक्सरसाइज की, अब मैं बताता हूं एक्सरसाइज एक तरफ मगर आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी अगर आपको चेस्ट ग्रो करनी है। तो एक गुड अच्छी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट वाली एक अच्छी प्रॉपर डाइट होनी ज़रूरी है अगर आपको मसल ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज करते रहोगे और डाइट नहीं लोगे, डाइट लेनी
जरूरी है, जितना भी हो सके, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसी हिसाब से आपको डाइट जरूर लेनी है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे मैं चेस्ट डे पे अपना वर्कआउट स्ट्रक्चर करता था, क्या मेरा स्केड्यूल था। तो सबसे पहले तो अपना पुशअप्स करें, उसके बाद फ्लैट बेंच, उसके बाद इंक्लाइन बेंच, उसके बाद फ्लैट डंबल प्रेस, देन इंक्लाइन डंबल फ्लाई और सिटेड चेस्ट प्रेस, एंड देन लास्ट में पुशअप्स एंड डिप्स। कई लोग बोलेंगे डिक्लाइन बेंच, तो डिक्लाइन बेंच आप तब ऐड कर सकते हो अगर आप एक बेंच आप इंक्लाइन या फ्लैट बेंच नहीं मार रहे हो, तो दो बेंच रखो और प्रेसिंग मूवमेंट पे फोकस करो, तो अपने आप आपकी चेस्ट ग्रो होने लग जाएगी। मैंने कई देखा है कि बहुत लोग फ्लाई फ्लाई मारते रहते हैं, फ्लाई मारना तब सही है जब आपकी ऑलरेडी मसल ग्रो कर चुकी है। अगर आपको ग्रो करनी है तो मुझे लगता है प्रेसिंग मूवमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी चेस्ट और आपके ओवरऑल सारे पेक्स को ग्रो करने के लिए। तो वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और वीडियो आगे फ्यूचर में आती रहेंगी। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। ओवर एंड आउट।